सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं आज मैं आया हूँ भाई होंडा के बिग विंग्स में, और थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा मुझे, और अब होप करता हूँ आप लोग को दिख रहा हो। और ये भाई अगर वाराणसी से है तो ये मतलब विद्यापीठ के सामने वाला शोरूम है, आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर होंडा की आपको बिग विंग्स की कोई भी बाइक्स लेनी है तो। और मेरे सामने खड़ी है, देखिए अभी जो न्यूली लॉन्च हुई होंडा की CB350, ये इसका डीलक्स वेरिएंट है। ये जो है अभी शोरूम के अंदर देख रहे हैं, इसका आपको डीलक्स प्रो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली डीलक्स और डीलक्स प्रो वेरिएंट का अगर मैं डिफरेंस बताऊँ तो कुछ कलर्स का है, और डेफिनेटली प्राइस में तो मेजर डिफरेंस है ही, प्लस थोड़ा मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। और भाई तो अब बात करें होंडा की CB350 की, तो ये डेफिनेटली डिफरेंट है फ्रॉम होंडा की हाइनेस CB350। हाइनेस जो है वो ज़्यादा, मैं फिर से कहूँ तो एक मॉडर्न रेट्रो मतलब मॉडर्न क्लासिक की तरह आपको देखने को मिल जाती है। इसके मडगार्ड्स देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको शॉर्ट देखने को मिल जाएंगे, और थोड़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसका वेट जो है 187 kg है, इसका 181 kg के अराउंड का वेट है, और बाकी इंजन और ब्रेकिंग आपको सेम देखने को मिलती है। डिज़ाइन लैंग्वेज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और बाकी सब कुछ अगर मीटर में कहूँ तो वो सब चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी, हालांकि थोड़ा सा क्रोम पार्ट्स में डिफरेंस है। और बस तो लेकिन अब बात करते हैं फिलहाल इसकी भाई, तो करीब इसकी प्राइस जो है वो 2 लाख आपको एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगी जो डीलक्स वेरिएंट है, और जो डीलक्स प्रो 2,17,000 की आपको देखने को मिल जाएगी। की आपको कुछ मतलब की जो है चाबी जो है आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, वेव की नहीं है बट हाँ फिर भी काफ़ी लंबी की है भाई, देख रहे हैं थोड़ा एक प्रीमियम है भाई। और फिर चाबी लगाते हैं तो कंप्लीट LED सेटअप है भाई बाइक में, कोई कहीं भी हैलोजन का यूज़ नहीं किया गया है आप देख सकते हैं, और इनबिल्ट हज़ार्ड फ्लैशर देखने को मिल जाता है, LED टर्न इंडिकेटर्स हैं, LED हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है, नाइट में काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और सस्पेंशन में प्रॉपर कवर आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि रॉयल इनफील्ड की क्लासिक में आपको देखने को मिलेगा, क्लासिक और बुलेट में। होंडा ने भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं एक क्लासिक वाला लुक ही देने की कोशिश की है, उसी के क्लोज जाने की, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है। तो लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो इससे ज़्यादा बेटर मुझे CB350 लगती है, लुक्स वाइज देख लीजिए या पावर टू वेट रेशियो भी देख लीजिए, इसका थोड़ा सा बढ़ चुका है 6 kg के आसपास, उसका अभी भी मतलब कम है। और फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ा सा एक मडगार्ड देखने को मिल जाता है मेटल का, सॉलिड एकदम, मिसिंग ब्रेक कैलिपर से 310 mm के फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS के साथ आती है बाइक, रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको MRF के टायर मिलते हैं, फ्रंट टायर साइज़ की बात की जाए तो 100/90 का आपको फ्रंट में टायर देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में 19 inches के अलॉय व्हील्स। और भाई ये तो रहा भाई इसका फ्रंट से पूरा इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं इस साइड, और ये भी देख सकते हैं ये सारे ही अगर मैं कहूँ तो ये इसका मैट ग्रीन कलर है, वो एक आती थी आप कह सकते हैं गन मेटल ग्रे जो रॉयल इनफील्ड की, तो उससे कुछ मिलता जुलता कलर आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्ट वो नहीं है लेकिन हाँ उससे बहुत हद तक मिलता जुलता कलर है उसका वो, और ये तो मैरून कलर है ही भाई। और प्रॉपर यहाँ पे आपको टैंक पैड देखने को मिल जाएगा, होंडा का आपको एक लोगो देखने को मिल जाता है भाई, और 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है, 15.2 liters का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा, माइलेज अराउंड 30-35 kmpl का आपको दे देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कुछ इस तरीके का इसका फ्यूल टैंक का कैप आपको देखने को मिल जाता है, फ्लैट हैंडल बार्स है, और 800 mm की सीट हाइट, अभी मैं बैठ के आपको इसकी सीट हाइट भी दिखा देता हूँ और राइडिंग पोस्चर भी आपको दिखा दूंगा प्रॉपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम कलर में ही, क्रोम फिनिश में ही इसके आपको मिरर्स देखने को मिल जाते हैं भाई, और यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, काफ़ी छुपा के होंडा ने दिया है तो आफ्टर मार्केट आपको नहीं जाना पड़ेगा। और फिर अगर इंजन की बात करें तो 348 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve का 5-speed गियरबॉक्स एयर कूल्ड इंजन है इसमें, और 5-speed गियरबॉक्स जो पावर प्रोड्यूस करता है 21 PS की, 5500 RPM पे एंड 13 Nm का टॉर्क 3000 RPM पे, तो बहुत अच्छा इंजन है। जैसे कि मैंने वही सेम इंजन आपको हाइनेस और CB350 RS में मिलता है, मैंने चलाया, जैसे कि आपको हाइनेस का प्रॉपर राइड रिव्यू मेरे चैनल मिल जाएगा CB350 RS का भी, तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिफाइंड इंजन, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको देखने को मिलता है, काफ़ी टॉर्की इंजन, बहुत 2000-3000 RPM पे जो इसका टॉर्क किक इन करता है, और ज़बरदस्त पावर, मतलब पावर में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ इस तरीके का आपको लंबा सा एग्जॉस्ट नोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको CB350 का एक लोगो देखने को मिल जाएगा, और
सीट्स स्प्लिट सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड, काफ़ी ज़्यादा वेल कुशन सीट देखने को मिलती है। दोनों राइडर और पिलियन देख सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे प्रॉपर मेटल का ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है बेसिकली। और फिर अगर मैं कहूँ तो भाई रियर में आपको डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, उसका सेटअप 240 mm का डिस्क रियर में डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है, निसिन का डिस्क कैलिपर से, तो क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है होंडा ने। और रियर टायर साइज 130 सेक्शंस का आपको टायर देखने को मिल जाता है 130/70, और रियर में आपको जो है 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे भाई। और अगर मैं कहूँ, अब आपको दिखा देता हूँ भाई मीटर इसका, तो आइए चलते हैं मीटर की तरफ। तो ये देख सकते हैं सेमी डिजिटल मीटर है, यहाँ से पहले हज़ार्ड बंद कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, फ्यूल गेज, और होंडा का आपको सेलेक्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि इस मॉडल इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, डीलक्स प्रो में वो देखने को मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। साइड स्टैंड का इंडिकेशन, इंजन चेक की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, और ये ABS की लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ से पास की स्विच, यहाँ से ऑन की स्विच देखने को मिल जाती है, यहाँ से टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंजन किल और इग्निशन की स्विच देखने को मिल जाएगी, यहाँ से हैजार्ड की स्विच आपको देखने को मिल जाती है भाई। यहाँ पे हैंडल फ्लैट हैंडल बार से होंडा का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। और भाई अच्छा, एक चीज़ और मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ ज़्यादा टॉगल करने के लिए यहाँ पे कोई आपको बटन्स देखने को नहीं मिलते हैं बेसिकली डीलक्स में। लेकिन अगर आप डीलक्स प्रो लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे यहाँ पे चार बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मीटर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टॉगल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे साइड में दो बटन्स दिए गए हैं काफ़ी छोटे छोटे से, तो आप मीटर यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। तो बैटरी वोल्टेज बता रहा है भाई, टोटल डिस्टेंस, ट्रिप ए ट्रिप बी, और रियल टाइम माइलेज, रेंज, ये सब चीज़ आपको इसके मीटर में देखने को मिल जाएगी भाई। चेन जो है आपको ऊपर से थोड़ा कवर देखने को मिलती है, नीचे से एक्सपोज्ड देखने को मिलती है। सेंटर स्टैंड भी आपको देखने को मिल जाता है, साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, लेडी फुटरेस्ट आप देख सकते हैं, और फाइव स्पीड का गियर बॉक्स है जैसा कि मैंने पहले ही कहा। ये आपको मैं भाई थोड़ी सी गंदी है तो आई थिंक चलिए इसका जो अंदर है उसको मैं उस पर मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ भाई। अंदर एक ब्लैक कलर की खड़ी हुई है, तो आइए यहाँ पे इसके बैठ के आपको इसका जो पूरी एक प्रॉपर सीट हाइट दिखा देते हैं। तो मेरी हाइट है जो 5'8" और आप देख सकते हैं मतलब दोनों साइड के जो मेरे कह सकते हैं एक साइड का फ्लैट फुट आ रहा है, एक साइड का टो आ रहा है। तो कोई शॉर्ट राइडर है तो एक्सेस कर सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 800 mm की सीट हाइट है और 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है भाई। तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।